नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूँ रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनाव आयोग के सचिवों ने की कोल्हान प्रमंडल के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और शहर में ऑल इंडिया ओपन स्कूल चेस चैंपियनशिप शुरू। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग के सचिव विनोद कुमार और अनूप भजूरिया ने आज डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में कोल्हान प्रमंडल के डीआरओ और एआरओ के साथ बैठक कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए चुनाव की तैयारी के सिलसिले में चर्चा की। बैठक में जिले के नए डीसी डॉक्टर अमिताभ कौशल भी मौजूद थे। चुनाव आयोग के सचिवों ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य स्वच्छ ढंग से होना चाहिए ताकि किसी का नाम मतदाता सूची में छूट ना जाए। लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, मतदाता की शिकायतों पर गौर किया जाना चाहिए। हो सकता है, हमें तैयारी किस ढंग से करनी होगी। और डेमोक्रेसी में ये जरूरी होता है कि कोई भी जेन्युइन नाम है जो वो इलेक्टोरों से डिलीट ना हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का मकसद ही है कि जो भी मतलब जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज का जो सिस्टम, एक भी जेन्युइन वोटर जो है वो वोट देने से वंचित न रह सके। तो एज व्हाट यू कॉल एज एज एन एम्पायर और रेफरी, वी हैव टू एंश्योर अ फेयर प्ले, फेयर लेवल प्ले, ताकि कोई भी स्टेक होल्डर है जो अपने आप को एग्रीड न महसूस कर सके। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए कमीशन ने हम लोगों को भेजा। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर आज खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सिविल सर्जन को 13 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया। संघ के मीडिया प्रभारी रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि संघ की राज्य स्तरीय मीटिंग में सभी जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय हुआ था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी किए गए फरमान का जिक्र करते हुए कहा कि यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। प्रधान सचिव के द्वारा, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी सरकारी जो नीति जो अपनाए जा रहे हैं गलत ढंग से, 11 बिंदुओं पर वो आज मांग रहे हैं। 30 साल 35 साल जो कर्मचारी जिनका हो गया उनसे भी आज नियोजनालय की प्रति मांग रहे हैं, विज्ञापन के छाया प्रति मांग रहे हैं, जो बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है, नीति संगत नहीं है। इसलिए इन सभी मांगों को लेकर के पिछले 4 और 5 मई को हमारे राज्य के कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 3 जून को प्रत्येक 2400 जिला में सिविल सर्जन के समक्ष आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और 24, 25 और 26 जून को हम रांची से नेपाल हाउस सचिवालय को घेरने जा रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जगत भूषण ने कर्मचारी संघ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसे वह विभागीय उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कर्मचारी झारखंड राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जमशेदपुर द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अपनी मांग रखे हैं 20 सूत्री मांग, जिसके तहत इन सभी मांगों को राज्य स्तरीय स्तर पर ही निराकरण किया जाना है। और इसलिए इसमें जिला स्तर पर इन लोगों की मांग का निराकरण नहीं किया जा सकता है। इन लोगों की जितनी मांगे हैं उन लोगों को राज्य स्तर पर हम लोग भेज रहे हैं, वहाँ से जो निर्णय होगा सभी को मान्य होगा।
झारखंड चेस एसोसिएशन द्वारा शहर में आयोजित 3 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन स्कूल चेस चैंपियनशिप आज तुलसी भवन में शुरू हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से करीब 200 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शतरंज की गोटियों को आगे बढ़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कोषाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि शहर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। 30 खिलाड़ियों को इनाम के रूप में 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही प्रत्येक एज ग्रुप के विजेता बच्चों को ट्रॉफी प्रदान किए जाएंगे। झारखंड, बिहार के अलावा उड़ीसा और बंगाल, महाराष्ट्र के प्लेयर आ चुके हैं, अपना नामांकन कर चुके हैं। इस प्रतियोगिता में की सबसे खासियत ये है कि इसकी राशि बहुत ज़्यादा है, जो अभी तक के जितनी प्रतियोगिता में इसमें सबसे ज़्यादा है। ये हम लोग करीब 1,00,000 रुपये बांटेंगे 1 से 30 बच्चों में, और इस जितने भी बच्चे होंगे एज ग्रुप में उसके अलग अलग हम लोगों ने ट्रॉफी देने का वादा किया है, जो हम देंगे। जैसे एज ग्रुप अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, और इसके अलावा स्कूल चैम्पियनशिप के प्राइजेस भी हैं, जो टीम इवेंट की तरह होगा। 3 बच्चे एक स्कूल से होंगे, उसके जो जब से ज्यादा पॉइंट बनाएंगे उसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर करेंगे। शंकर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आज शंकर सिंह की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टर श्वेताब सुमन भी मौजूद थे। अविनाश सिन्हा ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए, इसी को ध्यान में रखकर यह शिविर लगाया गया है। रक्तदान एक महादान है, और आज भी हमारे देश में कई लोग रक्त के लिए मर जाते हैं, और जिसे मैं समझता हूँ कि हमारी संस्थान कुछ इस तरह का कार्यक्रम करके उसमें सहयोग करे। सिद्धगोड़ा में आज बाबा लोकनाथ का तिरोधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोगों को भोग खिलाया गया तथा गरीब पुरुष महिलाओं में धोती व साड़ियां बांटी गई। सपन राय ने कहा कि हम लोग बाबा लोकनाथ का तिरोधान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस मौके पर भोग का वितरण, भजन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोकनाथ जी का 17 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। बाबा लोकनाथ का तिरोधान दिवस हम लोग मनाते हैं, इसमें पूजा करते हैं। बहुत साल वो करीब 1200 लोगों को भोग खिलाए हैं, और बहुत हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाते हैं। और शाम को हम लोग भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम है, और शाम को आरती होगा। डॉक्टर SP फाउंडेशन की ओर से आज सेंटर फॉर एक्सीलेंस में प्रोस्टेटाइटिस पर वैज्ञानिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने प्रोस्टेटाइटिस पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमिनार में सुधीर महतो भी मौजूद थे। डॉक्टर TK चटर्जी ने कहा कि पानी कम पीने से पेशाब संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती है। आज के सेमिनार में इसी बात पर चर्चा हो रही है। शरीर में उतना पानी हम लोग कंज्यूम नहीं करते, और कंज्यूम नहीं करने से क्या होता है, पेशाब में रुकावट आता है, पेशाब स्कैंटी होता है, कम होता है, पेशाब में दुर्गंध होता है, पेशाब का प्रॉपर ये नहीं होता है, तो इन तमाम चीज के कारण क्या होता है, फिर पेशाब लगता है, हम लोग नहीं कर पाते। केंद्रीय शांति एवं सद्भावना समिति के लोगों ने आज जिले के नए DC डॉक्टर अमिताभ कौशल का स्वागत किया। रामबाबू सिंह ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से समिति द्वारा पूर्व में किए जा रहे कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सभी मुद्दों पर नए DC से बात की जाएगी। जमशेदपुर शहरवासियों का अभिनंदन करना है, ताकि पिछले कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं और शहर में मन चैन शांति और सद्भावना कायम रहे, थीम में हो सद्भावना कायम रहे। शहर में आज विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में भाई बहन सहित 3 लोग जख्मी हो गए, घायलों को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया है। कदमा सुनारी लिंक रोड के पास स्कॉर्पियो से धक्का लगने से स्कूटी सवार अभिषेक पांडे और नेहा पांडे जख्मी हो गए। दोनों रिश्ते में भाई बहन बताए जाते हैं। इन्हें तुरंत TMH पहुंचाया गया, जहां अभिषेक की स्थिति गंभीर बताई जाती है। दोनों जख्मी सर्किट हाउस एरिया क्रॉस रोड नंबर 3 के रहने वाले हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभिषेक अभी हाल में ही विदेश से पढ़ाई पूरी कर घर आया था। वहीं सड़क दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर यहां से स्कॉर्पियो आ रहा था और लिंक रोड से यहां गाड़ी आ रहा था, तो इसको गाड़ी नहीं भी तो कम ही स्पीड होगा 30 या 40, और स्कॉर्पियो आके मार दिया जोर से, और मारा तो इतना कस के आवाज़ हुआ। फिर हम लोग निकले, तब तक स्कॉर्पियो भाग चुका था, वहाँ कोई आदमी भी नहीं था,
और स्कॉर्पियो निकल चुका था, फिर उतना ही में आया तो पुलिस वुलिस आया। एक क्या नाम है लड़का का और लड़की का? लड़का का नाम है अभिषेक पांडे, लड़की का नाम है नेहा पांडे। यूथ कांग्रेस के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर आज करंडी विद्युत सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। राकेश साहू ने कहा कि शहर के बस्ती क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार आंदोलन किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरर गुट्टू, कीताडी, कृष्णापुरी आदि क्षेत्रों को लेकर हम लोग आज ट्रांसफार्मर, जज्जर ट्रांसफार्मर, जज्जर तार और बिजली को चारू रूप से चालू करने के संबंध में आज हम लोग करंडी विद्युत कार्यालय में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो गैट टिस्को क्षेत्र है, जो बागबेड़ा, हरर गुट्टू, जो भी मतलब जो क्षेत्र इनका आता है, इसमें बिजली हमें लग रहा है कि मतलब दिन भर में 12 से 13 घंटा मतलब ये सिर पर रह रहा है। और ये गर्मी, भीषण गर्मी को देखते हुए हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम बिजली 22 घंटा दिया जाए। और क्षेत्र में मतलब क्षेत्र में जो भी पुराने ट्रांसफार्मर है, पुराने तार है, जो कि तार टूट के गिरने वाला है, और जो कि खंभे मतलब झुल गया है, इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने पोटका और डुमरिया क्षेत्र की जर्जर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर विद्युत जीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। रमेश हांसदा ने कहा कि पोटका प्रखंड में कई ट्रांसफार्मर जल गए हैं, जर्जर विद्युत तार और खंभों की वजह से हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। डुमरिया के एक गांव में तार खींचे जाने के बावजूद अभी तक बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। खेती का समय आ रहा है, तार झूला हुआ, तार में मवेशी लोग चला जाएगा या आदमी भी चला जाएगा तो मौत हो जाएगा। तो बहुत दिनों से इस बात को लेकर स्थानीय एसडीओ को हम लोगों ने कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बड़ा ट्रांसफार्मर अभी जल गया, बार बार बोल रहे नया ट्रांसफार्मर दो, कार्रवाई नहीं हो रही। तो मजबूरन हम लोग को जीएम साहब के यहाँ पर जाना पड़ा। और डुमरिया प्रखंड में एक लखाईडी गांव है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और उस जगह में 2 साल से खंभा और तार लगा हुआ, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं है, कनेक्शन नहीं है। हम वहाँ गए थे तो वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि देखिए सब कुछ होने के बाद भी आज भी बिजली नहीं जल रही है, तो उसका भी बात हमने रखा। और साथ ही साथ हल्दी पोखर से लेकर के बड़ा बागलोदा अंदर तक अभी भी 2 फेज में ही लाइन जा रहा है, 3 फेज नहीं जोड़ा गया है। तो ये बात का ध्यान आकर्षण।